그러면 내 마이크가 갔네. नेक्स्ट हाँ हाँ नेक्स्ट करो नेक्स्ट करो हो गया बस भाई जिसको पता है वो दूसरे को बताए ना यार इसको क्रिएट करो ऊपर से काट देना अभी रुक जाओ आएगा काट नेक्स्ट करो नेक्स्ट हाँ काटो 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 का दोबारा आगे काटो क्लोज बस डालनी कार्ड इंप्रूव नहीं जरूर अभी मैं डालना 300 रुपये कट जाएंगे हाँ हाँ इसको क्रिएट करो आगे एक क्रॉस कर दें इसको क्रिएट करो कैंपेन में क्रिएट कैंपेन खुला एडमिन गेट कार्ड डिटेल्स में डाल दो ना बताएं इनको हाँ तनख्वाह मुझे दी उन्होंने बताने की इसको नोट ना कर दो ठीक है सिंपल अभी एक कैंपेन क्रिएट करो और उसको क्रॉस कर देना आपके बताने के चक्कर में आपको 300 रुपये कट जाएंगे कार्ड से बस फिर बता रहा था कौन सा वाला जहाँ भाई यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आएगा तो क्रॉस करके क्लोज कर देना बस ठीक है एक्सेप्ट करो ठीक है इसको क्रॉस करो या क्लोज कर देना यार बाहर होता है जहां से आप लोग अपने फेसबुक के ऊपर एड्स चलाते हो एड्स कैसे चलेंगे इसके ऊपर सिंपल सब स्क्रीन की तरफ देंगे या लाइट्स ऑफ कर देना सिंपल ये कुछ इस तरह का इसका यूजर इंटरफेस होता है क्रिएट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको मल्टीपल ऑफ एक काम करो ना आप लोग जगहों पर आ जाओ जब कर देना चाहते थे अभी जगहों पर आ जाओ आपसे क्योंकि तो इस तरीके से हो रहा है थोड़ा सा टाइम वेस्ट है मैनेजर से क्या करते हो आप लोग एड्स मैनेजर से अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर अपने एड्स चलाते हो ठीक है सिंपल आप क्रिएट पे क्लिक करते हो कुछ ऑप्शंस आपको देता है इस तरीके से अवेयरनेस ट्रैफिक एंगेजमेंट लीड्स ऐप प्रमोशन एंड सेल्स ठीक है पहले इससे पहले ऐड कौन कौन चला चुका है अपने पेज के लिए बस आप और आप एड्स मैनेजर से चला एड्स मैनेजर से चला आपने ऐड नहीं चलाया ऐड नहीं चलाया आप तो कहते सही खैर अवेयरनेस अवेयरनेस क्या होता है भाई अवेयरनेस नाम से पता लग रहा है शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम उन लोगों को ऐड दिखाएगा जिन लोगों को दिखाएगा हैं इसमें आपकी रीच की कैंपेन चलती है ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चलती है वीडियो के व्यूज अगर आपको रिक्वायर्ड है या किसी फिजिकल स्टोर की लोकेशन की अवेयरनेस लोगों को देनी है फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है वो ऑनलाइन क्या दे सकता है बातों के अलावा कुछ नहीं तो भाई उसको अपने क्लिनिक के अपने हॉस्पिटल पे अपने कस्टमर को लेकर आना है पेशेंट को तो उसकी स्टोर लोकेशन जो होगी इस और या ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन स्टोर लोकेशन के ऊपर लोगों को अवेयर करने के भाई यहाँ पे ये सब चीजें हैं ठीक है अवेयरनेस कैंपेन रीच कर रही है कि ज्यादा ज्यादा लोगों तक रीच हो जाए खाली बस पहुंच जाए मेरी बात ठीक है तो हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं वीडियो के व्यूज अपने को चाहिए कि 10,000 व्यूज चाहिए 5,000 व्यूज चाहिए
तो हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं, सही है। ट्रैफिक, सेंड पीपल टू आवर डेस्टिनेशन, लाइक योर वेबसाइट ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। सेंड पीपल टू आवर डेस्टिनेशन, लोगों तक, लोगों को पहुंचाओ कहां, अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने ऐप जो भी आपका एंड्रॉइड या आईओएस ऐप होती है उनके ऊपर, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर अपनी पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों को, या फेसबुक इवेंट एक होता है जिसमें इंटरेस्टेड गो का ऑप्शन आ रहा होता है, इवेंट बनाते हैं ना लोग, इवेंट के ऊपर ऐड कहां से लगता है, ट्रैफिक के थ्रू। वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक चाहिए तो ट्रैफिक की कैंपेन लगेगी, ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर ट्रैफिक चाहिए तो ट्रैफिक की कैंपेन चलेगी, सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, आपने वेबसाइट की लिंक लगाई है या किसी और चीज की ऐसी लिंक लगाई जिसका वो क्लिक्स रिक्वायर्ड है, क्या इस पर लोग क्लिक करें तो ट्रैफिक की कैंपेन चलाओगे। लैंडिंग पेज क्या होता है? नहीं, लैंडिंग पेज व्यूज बेसिकली वो पेज होते हैं कि आपकी बैंड की टिक-टिक ना करना, ठीक है, आपकी 15-20 पेजेस की वेबसाइट है, 40-50 प्रोडक्ट उस पर लगे हैं, आप एक प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना चाह रहे हो, तो बेसिकली उस वेबसाइट का वो पेज आपका लैंडिंग पेज होगा जहां पे आपने अपना कस्टमर लैंड कराना है, ठीक है। लैंडिंग पेज बना हुआ होता है, दराज पे हम ऐड लगा के क्या करेंगे, हमको क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, दराज पे स्टोर होगा आपका, आप अपने स्टोर पे अपना कस्टमर लैंड कराओगे तो वो आपका लैंडिंग पेज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी वेबसाइट एक तरीके की, फेसबुक पेज पे कोई ताल्लुक नहीं है इसका, वेबसाइट का ही होता है भाई, वेबसाइट बनी हुई इसका लैंडिंग पेज मैंने ये रख लिया, मैंने कहा सिर्फ मुझे ये ही, ये जो भी कस्टमर आए सिर्फ यहाँ पर आए, शॉप नाउ ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर तो डायरेक्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर आ जाए, तो ये हमारी हो गई लैंडिंग पेज, ठीक है। कोई ऐड टू कार्ट करेगा तो सीधा यहाँ पर आएगा, पूरी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी कैंपेन चलाते हैं, ट्रैफिक की। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिटर्स, अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर विजिटर्स बढ़ाने, यानी पेन की टिक-टिक ना करो प्लीज। एक आएगा ना इंस्टाग्राम मैसेंजर एंड व्हाट्सएप, बटन भी इसमें ऐड कर सकते हो, कॉल्स भी डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आती नहीं है। Engagements, get more messages, purchase through messaging, video views, post engagement, page likes or event response. भाई आपको messenger, Instagram and WhatsApp पे proper तरीके से messages required है अपने client के, अपने customer के, तो आप engagement की campaign चलाओगे, ठीक है। Video के views बढ़ाने तो अपनी आप engagement की campaign चलाओगे। Post engagement, like, comment, share करवाने आपको अपने post को, तो एंगेजमेंट की कैंपेन चलाओगे। कन्वर्जन, कन्वर्जन बोले तो आपका कस्टमर वेबसाइट पे ऑर्डर कर दे, कन्वर्जन है यार, ठीक है, वो एक रैंडम बंदे से आपका कस्टमर बन रहा है तो कन्वर्जन है, ठीक है। Leads, collect leads for your business or brand. Leads क्या होती हैं? Instant form, आप लोग submit कर देखा है, कुछ multiple ads आ रहे होते हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करते हो फॉर्म खुल जाता है, नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल, जो जो पूछ रहा होता है वो चीज आप लिख देते हो अगर ट्रस्ट करते हो तो, ऐसा ही है। वो ऐड कैसे बनता है? लीड्स की कैंपेन के लिए। ये कौन, ये यूज कौन करता है लीड्स की कैंपेन? रियल एस्टेट एजेंट, एजुकेशनल सेक्टर्स, एनजीओस, इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं
वो यूज करते हैं, जिनको डेटा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब वो डेटा का करते क्या है, कॉल्स करते हैं कि भाई आप इस चीज में इंटरेस्टेड थे, आपने क्यूरी हमें सबमिट करी थी, आप बताएं आपको कब प्लॉट विजिट करा दें, या आपने डीएम के कोर्स के लिए अप्लाई किया था तो आप मुझे बताएं आप इंटरेस्टेड हो डेमो क्लास के लिए आ जाएं। तो ये लीड्स के थ्रू उनको डेटा आपका जाता है। ठीक है, इसके बाद ऐप प्रमोशन, ऐप इंस्टॉल करवाना अपने आपको लोगों का ज्यादा से ज्यादा, कि नीचे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन होता है उसमें क्लिक करो प्ले स्टोर पर चले जाता डायरेक्ट अंदर, तो लीड्स सॉरी ऐप प्रमोशन के थ्रू होता है। एट द एंड सेल्स, सेल्स क्या होता है, फाइंड पीपल लाइक यू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस, उन लोगों को फाइंड करना होता है जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। कन्वर्जन, कैटलॉग सेल, कैटलॉग बोले तो आवाज से बोलने में जेल नहीं होती। मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आपने एक फाइल के अंदर रखा हुआ है, एक बंडल में रखा हुआ, तो वो कैटलॉग कहलाता है। ठीक है, वो कैरोसेल फॉर्म में भी हो सकता है, वो पीडीएफ फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन एड्स के अंदर वो कैरोसेल फॉर्म में चलता है। स्लाइडर, स्लाइडर जी, ठीक है, और ठीक है बस सही है, यही काम होगा फेसबुक इंस्टाग्राम महंगे कपड़े सब लगता है। खैर, इतना आप लोगों को पता लग गया, पूछ लो इंस्टेंट पता नहीं, अब मैं देख रहा हूँ ऐसा फेसबुक ने अपडेट कर दिया है मेरे ख्याल, वैसे कभी मैंने बगैर फेसबुक के एड्स मैनेजर खोला नहीं, अब खोला है तो मुझे आइडिया हुआ कि पेज के बाद ही एड्स मैनेजर सही खुलता है, ऐसा भी खाली पेज क्यों ना पेज बना हुआ। चलो भाई ठीक है, मैं बार बार एक दो लोगों से सवाल करता हूँ, जवाब देना। कावासाकी, हाँ, लीड्स के अंदर क्या क्या होता है, देखो मुझे पता है उनको नहीं पता, उन तक आवाज जानी चाहिए। सात वाले नेक्स्ट, मुझे पता है किसको पता है, मैं उससे नहीं पूछूंगा। आवाज आ रही है, कोशिश करो। क्लियर है, एंगेज और यहां से बताना। आवाज आ रही, क्या बोला है उन्होंने, पोस्ट वगैरह वगैरह का ऑप्शन था कि ये पूरे पूरे इसमें क्या पोस्ट और मेन चीज क्या है एंगेजमेंट ही कैंपेन, आप बताएं। पर्पल वन नहीं पता, अभी तो पता है यार, मैं साहब बताएं पीछे से। देखो ये इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही, सबको बता रहा हूं, ठीक है, ये किसकी क्लास नहीं हो रही, एंगेजमेंट का मतलब एंगेज होना नहीं होता, मेन मकसद क्या है एंगेजमेंट का, एंगेजमेंट कैंपेन का, तब दोबारा से देखना। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहिए आपको अपने क्लाइंट के, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो उसके लिए हम एंगेजमेंट ही कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, पेन की टिक टिक ना करें, एंगेजमेंट का मेन मकसद क्या हुआ,
मैसेजेस आपको अगर लेने हैं पोस्ट के या वीडियो के ऊपर, तो आप कौन सी कैंपेन चलाओगे? इंगेजमेंट। लीड्स की कैंपेन कब चलाओगे? जब उनका डेटा चाहिए। ट्रैफिक की कैंपेन कब चलाओगे? जब आपकी पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स या फिर व्यूज चाहिए। क्या लैंडिंग पेज वाला? ट्रैफिक की बात कर रहा हूं मैं। ट्रैफिक यार, ट्रैफिक का मतलब वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना हो, इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रैफिक लाना हो, या लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक लाना हो, या अपने लिंक से क्लिक करवाना हो। ये ना आप लोगों को इस तरह याद करना पड़ेगा उंगलियों। इस फायदा क्या होगा? क्लाइंट को ग्रैब करने में आसानी होती है, उसको बातों में लेना में आसानी आती है। इस तरह हम आपकी मल्टीपल ऑफ कैंपेन्स चलाएंगे, आपकी ब्रांड अवेयरनेस करेंगे, आपकी आपके स्टोर की लोकेशन की अवेयरनेस करेंगे, आपकी वेबसाइट पर हम ट्रैफिक जनरेट करेंगे जिससे आपको मैसेजेस मिलेंगे, कन्वर्जन होगी आपकी, आपकी सेल्स जनरेट होगी। सर ये सब वर्ड्स कहाँ से लाए? इसी में से निकले। आप पता होंगे तो बोलोगे ना, याद होंगे तो बोलोगे ना आप लोग, ठीक है? अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस बताना। चलते हुए काम कारोबार को जब कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करते हैं, एक पुरानी कंपनी नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करती है, तो उसकी नोहा लोगों तक कराना, पहुंचाना, ठीक है? अब याद रहेगा, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव कितने थे? ऑब्जेक्टिव कितने थे? छह। कौन कौन से दलील? दलील बताओ कौन कौन से हैं? सेल्स, अच्छा सेल्स, ऐप प्रमोशन नहीं था, हाँ भाई टोपी कितने बताया? नाम बताएं, किसकी प्रमोशन? प्रमोशन किसकी प्रमोशन? लास्ट से आपके पीछे कौन बैठा? छुप के बैठोगे तो क्या पूछूंगा नहीं, दिख नहीं रही काफी देर से। अरे यार भाई यार, देख लो खुली गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। अच्छा, ट्रैफिक में और सेल्स में आपको वेबसाइट चाहिए, मतलब मस्ट चाहिए। ट्रैफिक में और सेल्स में देखो ना, इसमें आप ट्रैफिक में अगर जाते हो तो बोलता है लैंडिंग पेज व्यूज। लैंडिंग पेज कहाँ होता है? लिंक किस चीज की होती है? कन्वर्जन कहाँ लोगे? कैटलॉग कहाँ बनता है? ठीक है, अच्छा मुझे बोला गया है कि हमारा मेन फोकस है इस क्लास का कि भाई मेटा एडवर्टाइजमेंट आप लोग अच्छे से अच्छी सीखो, ठीक है? लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सब चीज अच्छी से अच्छी सीखो, एक चीज को उतार के नहीं फेंकना, हमने थोड़ी थोड़ी सब चीजें लेनी है, ठीक है? कि किसी भी ग्राउंड में किसी भी डोमेन पर हमसे बात करे तो उसको जवाब मिले हमारी तरफ से, ठीक है भाई? तो एड्स मैनेजर थोड़ा सा हमने ऊपर से देख लिया, अब इसको हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं। क्रिएट
पहली कैंपेन हम बनाएंगे इंगेजमेंट की, 100 ऑर्डर लगते हैं ना आपको तो 95 ऑर्डर्स आपके इंगेजमेंट के होते हैं, 95 लोगों को एंगेजमेंट की कैंपेन चलवानी होती है, सही है। इस पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू। अच्छा ये बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट कैंपेन की ऑडियंस बना दें या आप मैनुअली इंगेज मैनुअली सेट करोगे, हमने कहा मैनुअली करेंगे, इसमें हमारा पैसा लग रहा है, हम अपने हिसाब से सेट करेंगे, ठीक है। ये चीज कब काम आती है, जब एड्स मैनेजर पुराना हो, मल्टीपल ऑफ कैंपेन उस पर चली हुई हो, आपका डेटा अच्छा खासा हो उसके ऊपर, तो ये समझना आता है कि वो उसी डेटा को उठा के एनालाइज करके उसी हिसाब के ऑडियंस आपको बना के दे देगा। जब एड्स मैनेजर ही खाली है, फेसबुक को पता ही नहीं आपको चाहिए क्या, किस तरह के लोग आपको अप्रोच करेंगे, फेसबुक तो गलम बगम डाल देगी, तो इसलिए मैनुअली इसको मैनेज करेंगे। कंटिन्यू। अच्छा एड्स कैंपेन के 3 स्टेप्स होते हैं यार, वीडियो में चक्कर में सीधा बटना पड़ रहा है मेरे को। अच्छा सही है सर, कैंपेन के 3 स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से पता नहीं सर, आप बताएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, 3 एड्स स्टेप कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, वो नहीं है। 3 स्टेप्स होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं, एडसेट 1, एडसेट 2, एडसेट 3, 3 एडसेट होते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर आप 5-5 10-10 50 एडसेट भी बना सकते हो, ठीक है। हम लेकिन सिंपल जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे प्रैक्टिस के लिए, बाकी एडवांस काम जब करोगे तो अभी आप देखेंगे, ठीक है। ये 3 एडसेट होते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। ये भी पहला एडसेट है, पहले एडसेट के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी कैंपेन का नाम रखेंगे, नाम क्या रखें, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वही स्टेप फॉलो करना, बाकी चीजों को ना मैं जो चीज स्किप करा रहा हूँ काइंडली वो स्किप कर देना, ठीक है। ये कैटेगरीज ऑप्शन होता है, इसके अंदर आपको क्रेडिट, एम्प्लॉय, हाउसिंग, सोशल इश्यू, पॉलिटिशियन के जो एड्स चल रहे होते हैं, जमात इस्लामी का बहुत चल रहा था, नाले में गिर गए थे बाइक और ये और वो, खैर उस तरह के ऐड अपनी फेसबुक अलाउ नहीं करती, पॉलिटिक्स के हवाले से फेसबुक एड्स अलाउ नहीं करती, क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए फेसबुक एड्स अलाउ नहीं करती। तो अगर हम लोग के पास अथॉरिटी है गवर्नमेंट की या नहीं भी है, जो नहीं होती ज्यादातर, तो हम स्पेशल कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, वरना तो हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। रियल स्टेट वाले होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे होते हैं, ये लिखा हुआ है एड फॉर रियल स्टेट लिस्टिंग, होम ओनर इंश्योर, मॉर्गेज लोन है, अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, इस तरह के जो मतलब फांदेबाजी हो रही होती है ना कि 100 डालो 200 मिलेंगे, वो 100 लेके भी इस तरह के वो लोग इस तरह के एड्स चलाते हैं स्पेशल कैटेगरी को सिलेक्ट करके। खैर हमने सिर्फ क्या रखना है, नाम नीचे आ जाना है, एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर देना है, ठीक है। अब यहां पे आपको दे रहा है डेली का बजट कितना दे रहा है, 2100 रुपए, 2100। इसमें हम दो ऑप्शन मिलते हैं हमको, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में क्या फर्क होता है, इनको इनके वाले साहब ने दिया 1000 रुपए, कहा 24 घंटे में खर्च हो जाने चाहिए, सेविंग नहीं चलेगी इसकी, तो ये बेचारा कहीं ना कहीं इसको उड़ाकर ही घर में घुसेगा। और अगर उसको 10 लाख रुपए का तरह 5 साल है, इसको 5 साल में खत्म करना है, तो किसी दिन ये 1000 खर्च करेगा, किसी दिन ये 2000 खर्च करेगा, किसी दिन 20000 खर्च करेगा, किसी दिन नहीं करेगा, भाई कल का बचा हुआ खाना खा लेगा, एहतियात से चलेगा अपने आप को लेके, ठीक है। तो ये डेली का बजट और लाइफ टाइम बजट का सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। किसी को डेली में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है, किसी को लाइफ टाइम में अच्छा आ रहा होता है,
डिपेंड ऑन कंडीशन सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो भी आपकी प्रोडक्ट और सर्विस है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ लाइफ टाइम बजट, लेकिन मेरे जो सर थे जिनसे मैंने पढ़ा वो रिकमेंड करते थे डेली बजट। उनका वो उनके क्लाइंट्स से वो स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, इस तरह के स्टेट्स थे उनके पास जो उनसे काम कराते थे। अब भाई 2400 घंटे फारिग आदमी बाप को ऐसा उठाने के लिए ढूंढता रहता है, कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए फिर मुझे बाहर ले जाए 15-20 लाख में अच्छी यूनिवर्सिटी में लगवा दे, ऐसी जॉब पर लगवा दे, तो वो एड्स चलते हैं डेली बजट पर अच्छे। और जो हम जैसे हमारे काम हो गया सर्विस वाला, बंदा बोलता है सुबह सुकून से बात करूंगा इनसे, सुबह सुकून से देखूंगा, रात में सो जाता हूँ, समझ में आ रहा है। तो रात में हमारा पैसा जाया नहीं होता लाइफ टाइम बजट में, नहीं आई मेरा मतलब सर्विस हमारी ऐसी इसमें जाया नहीं होता कि अगर किसी क्लाइंट ने रात में मैसेज करा है तो वो आपसे यार डिटेल में बात भी नहीं करेगा, करेगा तो बोलेगा ठीक है यार मैं सुबह आपसे फ्रेश होकर बात करता हूँ। आप भी सो रहे हो, आपका क्लाइंट सो रहा है, ऐड चल रहा है, पैसे जाया हो रहा है। लेकिन लाइफ टाइम बजट में क्या होता है, आप सो रहे हो, आपका क्लाइंट सो रहा है, सब सो रहे हैं, तो आप पैसा लग रहा है आपका, ऐसा नहीं है ऐड रुक गया, ऐड चल रहा है लेकिन स्लो हो जाता है, कम कॉस्ट लेता है। 24 घंटे 500 लगाने हैं फेसबुक को, वो 12 घंटे डे टाइम में वो लगा देगा 300, 350, 400 जब सब उठे हुए, ठीक है। जब सब सो रहे तो अब 100-150 रुपये सही है। और जब एड्स लंबा चल रहा होता है तो उसका कभी ऐसा होता है 30,000 का अगर आपने एड लगाया है 10 दिन का 3,000 रुपये डेली के हिसाब से, तो किसी दिन 6,000 भी लग जाते हैं, किसी दिन 2,000 लगता है, रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है आपके लाइफ टाइम। नहीं लाइफ टाइम बजट, ठीक है यार। कल से नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी ना, काइंडली 10-10 रुपये खर्चा कर सकते हो आप लोग, पेंसिल लेकर आना, पेन ना हो किसी के हाथ में, सही है सही है। 10 रुपये का खर्चा कर ले मेरे लिए, पेंसिल लेकर आना या 20 रुपये का पॉइंटर लेकर आना, बॉल पेन मत लाना। लाइफ टाइम बजट हमने रखना है जितना हमारी जेब में होगा, जितना हमें लगाना है। फॉर एग्जाम्पल हम कितना लगाना चाह रहे हैं, मिनिमम $1 लगता है डेली का, ठीक है। मिनिमम कितना लगता है, 300 रुपये है, तकरीबन 300 रुपये, 280 भी ले लेता ये, हाँ वो भी। खैर मिनिमम $1 लगता है, हम $1 के हिसाब से अगर मिनिमम बजट भी लगाते हैं, 10 दिन का एड लगा रहे हैं तो कितने डॉलर लगेंगे, कितने होगा ये 3,000। 10 दिन का एड लगा रहे हैं, ठीक है, हम कितने का, 3,000। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट कर देना, नाम रखना, बजट सिलेक्ट करना और सिर्फ जी खुद ही हट जाएगा, हट नहीं जाएगा, रुक जाएगा। लाइफ टाइम मतलब जितनी लाइफ हम देंगे उसको, 5 दिन की लाइफ दे रहे हैं, 10 दिन की दे रहे हैं, हाँ नहीं आप किसी और मार्केटर को पैसे देके भी बनवा सकती है, हाँ हम या मेरी कंपनी को अप्रोच कर ले, वो भी एड बना कर देती है, 5,000 रुपये हफ्ता लेती है। तो खुद सीख रहे तो खुद बनाए ना, एड बनाना पोस्ट बनाने को कहते हैं, वो पोस्ट जो आप लोग को मैं सिखा रहा था ना, वो पोस्ट आपका एड है बेसिकली, वो पोस्ट ही आपका एड है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एक एरर दे रहा है, योर बजट इज टू लो, क्यों भाई, मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा दूसरे वेबसाइट ने बोलेगा नाम रखने का, नहीं रखना, सही है।
सिंपल सा नीचे आ जाना। अब यहाँ पे वो आ गए जो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने बताया था ना कि ये काम होते हैं, एंगेजमेंट में हमको मैसेजेस चाहिए या ऑन योर एड गेट मतलब वीडियो रिव्यूज चाहिए, कॉल्स चाहिए वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर, क्या करना है? फेसबुक पेज लाइव, मैंने कहा नहीं भाई मुझे मैसेजेस ही चाहिए, सही है, कोई क्लिक करे तो मुझे मैसेज आए। थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, कोई ना छेड़ना क्लिक मैसेज और स्पॉन्सर्ड मैसेज, तो क्लिक मैसेज ही होना चाहिए। अगर यहाँ पूछेगा आपका फेसबुक पेज कौन सा लगाना है, एक आईडी में मल्टीपल फेसबुक पेजेस होते हैं, तो मैंने कहा यार सर्कल फाउंडेशन वाला पेज लगा दो। अब यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम कनेक्ट हुआ है, व्हाट्सएप कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे चेक है, अदरवाइज यहाँ पे आपको इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है। अगर व्हाट्सएप कनेक्ट हुआ है तो फिर आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा, वरना सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। साइज अगर 1080x1080 हुआ तो बोलो, बताओ भाई, बताओ भाई, सही है। साइज पे इतना गौर दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि एक ही पेमेंट में एक ही टाइम में, सब पे चलाएंगे ना, उसको तो भाई सेल्स से मतलब होगी, या आप गले आप रोड पे बैनर लगा के सेल लाओ या फेसबुक पे एड लगा के कहीं भी, सबको तो सेल चाहिए, क्लाइंट को एट द एंड सेल चाहिए। अलहमद नहीं, वो मजे का नहीं है, डेस्कटॉप पे मतलब ऑप्शन